सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक, अभिकारक मतलब कि जो इस साइड होते हैं ना, जो अभिकारक की रिएक्शन होती है, मतलब जो कोई रासायनिक समीकरण होता है उसको हम ऐसा लिखते हैं, फलाना यानी कि एक्स सब्सटेंस वाई के साथ मिलकर जो है वो कोई सा जेड सब्सटेंस बनाता है ना। तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, दो अभिकारक इस साइड वाले को क्या बोलते हैं, अभिकारक, दो अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद बनाते हैं, केवल एक उत्पाद बनाते हैं। ऐसी सभी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, है ना। ये उदाहरण नहीं है इसका, ये तो एग्जाम्पल के तौर पर लिया था मैं। उदाहरण क्या हो सकता है, किसी को याद है एक मेन एग्जाम्पल जो कि आपको संयोजन अभिक्रिया में याद हो? सबसे पहले मैंने जो बोला था, मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया, ठीक है आप मत याद रखो। सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है Mg+O2, याद हो तो Mg+O2 चेंजेस टू MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO होता है। रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए मैं क्या करूंगा, आगे मेरे को दो लगाना पड़ेगा, तो मैं आगे जो है वो दो लगा दूंगा, आगे जो है वो दो लगा दूंगा, और यहाँ पर Mg को दो करूंगा तो ऑक्सीजन भी दो, Mg भी दो हो जाएंगे, इसके कारण से यहाँ पर भी दो लगाना पड़ेगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। एक ये संयोजन रासायनिक अभिक्रिया की बात करी थी मैंने, और एक और बोला था संयोजन रासायनिक अभिक्रिया सिंपल सी है, वो कौन सी याद रखना है, C+O2, CO2 चेंजेस टू CO2, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये भी एक संयोजन रासायनिक अभिक्रिया है ना। ये दो रिएक्शन आपको उदाहरण के तौर पर बताई थी। उसके बाद मैंने बोला था कि संयोजन रासायनिक का विपरीत भी पॉसिबल है, यानी कि एक अभिकारक आपस में टूटकर, मतलब कि हो सकता हो केवल एक्स कोई अभिकारक हो और वो टूटकर क्या क्या बना रहा हो, वाई और जेड बना रहा हो, Y+Z बना रहा हो, मतलब एकल अभिकारक आपस में टूटकर क्या बना रहा हो, दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा हो, तब हम ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में मैंने आपको याद रखने के लिए पहला उदाहरण बोला था कि सबसे पहले तो आप जो है वो चूना पत्थर को गर्म करना याद रखो। चूना पत्थर को गर्म करना जो है वो कॉमन सी रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं हम, CaCO3। इसको जब हम गर्म करते हैं, इसको जब गर्म करते हैं तो हमें दो चीज देता है, एक तो देता है बुझा हुआ चूना, सॉरी बिना बुझा हुआ चूना, CaO। राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, मालूम है मैं कंप्यूटर पे माउस की सहायता से लिख रहा हूँ तो राइटिंग गड़बड़ हो सकती है। CaO प्लस बनता है CO2, प्लस बनता है इसके साथ CO2, CO2, CaO, CO2। तो ये देखो एकल अभिकारक है, एक अभिकारक है, और ये आपस में उत्पाद कितने बना रहा है, दो बना रहा है, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं वो देख ले। कैल्शियम एक दिख रहा है आपको, कैल्शियम यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी कैल्शियम कितना है, एक है, तो बिल्कुल सही है। कार्बन एक है तो कार्बन यहाँ पर भी कितना है, एक है। ऑक्सीजन यहाँ पर तीन है तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर कितने हैं, तीन है, बिल्कुल, है ना। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना बनाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, तो रिएक्शन बैलेंस है। ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, वियोजन अभिक्रिया का। मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको ये सब, है ना, ये अपन कर चुके हैं, रिवाइज करवाने के लिए ये सब कर रहा हूँ मैं, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। एक और देखा था हमने, एक और उदाहरण था, वो था क्या, किसी को, अच्छा माइक फिर से बंद है तो वो जाहिर सी बात है फिर से किसी को नहीं पता होगा। फेरस सल्फेट का उदाहरण था, FeSO4 का उदाहरण था, काय का, FeSO4 का, ये वाली रिएक्शन भी आपको याद रखना है। फेरस सल्फेट, Fe सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SO4, है ना। तो फेरस सल्फेट, माउस भाई थोड़ा सा साथ दे दे यार, अभी तक तो ठीक चल रहा था, अभी पता नहीं क्या हो गया। FeSO4 को यदि हम गर्म करते हैं तो ये जो है वो पहले तो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसको हम, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, 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 साथ में दो गैसेस बनाता है, ये वाला रिएक्शन हमने, अपन ने देखा था, ये वाली रिएक्शन देखी थी, Fe2O3 बनाता है, साथ में SO2 और SO3 बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, शायद आपको याद होगा ये गैसेस का मिक्सचर जो है वो परख नली में पीले कलर की गैसेस निकलती हुई दिखाई दे रही थी और फेरिक ऑक्साइड बन गया था वहां पर। यहाँ पर रिएक्शन जरूर बैलेंस नहीं है, तो Fe को हमको सबसे पहले देखो ऑक्सीजन को कितना करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर 3, 2, 5 और 2, 7, 3, 2, 5 और 2, 7 है ना। तो हमको क्या करना है यहाँ पर, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, FeSO4, Fe2O3, Fe2O3 और SO2 और SO3 गैस बनती है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन हमको कितने चाहिए, यहाँ पर हमको चाहिए 3, ये है 3, 2, 5 और 2, 7, 7 हाइड ऑक्सीजन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ
कुछ गड़बड़ हो, एसओ थ्री नहीं लिखा यार मैंने यहाँ पर, वही बोल रहा हूँ, मैंने दोनों सेम लिख दिया, देखो एसओ टू एसओ टू दोनों सेम कर दिया, जबकि ये सेम नहीं है, ये एसओ थ्री है, सल्फर ड्राई ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये एसओ थ्री था। अब देखो बैलेंसिंग के लिए कुछ गड़बड़ हो रहा था ना, मैं बता रहा था यहाँ पर ऑड संख्या आ रही थी, जबकि आप देखो तीन और दो पांच और तीन आठ, अब ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं इस साइड, कहाँ उत्पाद साइड, आठ हो रहे हैं, जबकि यहाँ पर कितने हैं चार है, इसको आठ करना है तो क्या करेंगे आगे दो लगा देंगे, तो जैसे ही दो लगाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, चार दूनी आठ, ऑक्सीजन आठ हो गए, उसके बाद हमको यहाँ पर जो है वो जो आयरन था वो भी दो हो गया, यहाँ पर ऑलरेडी आयरन दो है, तो रिएक्शन आप क्या हो जाएगी बैलेंस हो जाएगी, सल्फर भी दो तो ऑलरेडी हो ही गया, ये सल्फर इन दोनों के सल्फर आगे यहाँ पर दो लगा हो तो सल्फर भी दो हो गए, तो ये दो रिएक्शन है काहे की वियोजन अभिक्रिया की, जो कि आपको याद रखना है ना। फिर उसके बाद यदि हम बात कर लें, हमने देखी तीसरी रिएक्शन ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में मैंने आपको बताया था चूने में पानी मिलाते हो आप, तो सबसे पहले तो वो याद रखो, और दूसरी मीथेन का दहन, वो कैसे भूल सकते हो, प्राकृतिक गैस का दहन है ना, प्राकृतिक गैस का दहन जो करते हैं हम, उसमें क्या करते हैं मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, CH4 प्लस ऑक्सीजन गैस, जलाने को क्या बोलते हैं ऑक्सीजन गैस, O2 CH4 प्लस O2 चेंजेस टू, यहाँ पर जो बनेगी वो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में बनेगा पानी, और साथ में क्या निकलेगी ऊष्मा निकलेगी, या फिर ऊर्जा भी लिख सकते हो आप, यहाँ पर प्लस में यहाँ पर ऊष्मा निकाल दिया, ये कौन सी अभिक्रिया है ऊष्मा क्षेपी, मतलब ऊष्मा निकल रही है इसमें से, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो H2 है यहाँ पर H4 है, तो H4 बनाने के लिए क्या करूंगा आगे दो लगा दूंगा, तो हाइड्रोजन तो जो हो जाएंगे, ऑक्सीजन कितने हो गए दो, और यहाँ पर भी कितने हो गए दो, दो दो चार हो गए, किस साइड उत्पाद साइड ऑक्सीजन कितने हैं चार है, अभिकारक में भी चार करना है, तो इसको चार करने के लिए क्या करूंगा मैं आगे दो लगा दूंगा, ऑक्सीजन भी कितने हो जाएंगे चार हो जाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन चार हो गए, हाइड्रोजन भी चार हो गए, कार्बन हमको कितना चाहिए एक चाहिए, तो कार्बन यहाँ पर एक हो गया है, बिल्कुल सही है, ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो गई। जो बच्चे आज पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा, हो सकता हो मुश्किल जा सके आपको, क्योंकि आप बीच में से ज्वाइन कर रहे हो, आप उसके लिए क्या करिएगा, मैं YouTube अपना स्कूल का पेज का YouTube चैनल है वहां पर जाकर, अभी तो मैंने अपलोड नहीं करे हैं, लेकिन मैं जब अपलोड कर दूंगा तो मैं बताऊंगा आपको साइंस के सारे वीडियोज वहां पर, तीन चार एक हफ्ते के जितने भी हो गए वीडियोज, छोटे छोटे वीडियोज रहेंगे वो आप देख सकते हो, वहां पर जाकर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, आप लिंक से बन जाओगे है ना, तो घबराओ मत, अभी आपका चैप्टर जो है बीच में ज्वाइन करा है आपने, तो यहाँ पर हमने क्या करा मीथेन को जलाया, मीथेन का ऑक्सीकरण करा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O बनाएगा, साथ में निकलेगी ऊष्मा, इस प्रकार के रिएक्शन को हम बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, क्षेपी का मतलब हो जाता है निकलना है ना, उसको क्या बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि ऊष्मा निकल रही है इसमें से, इसी का एक और उदाहरण देखा था हमने, देखा था श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन वाली रिएक्शन भी आप लिख सकते हो, और यहाँ पर जो है वो चूने वाली रिएक्शन भी लिख सकते हो, चूने वाली रिएक्शन में क्या होता है, चूने वाली रिएक्शन में CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया आप किससे करवाते हो, पानी से करवाते हो, पानी से करवाते हो, तो ऊष्मा निकलती है और साथ साथ बनता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन OH का होल ट्वाइस है, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH को हमेशा हम क्या बोलते हैं हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो ये क्या बनेगा बुझा हुआ चूना बन जाएगा, इसको मिलाएंगे तो हम है ना, अच्छा साथ में क्या निकलेगी, साथ में निकलेगी ऊष्मा, साथ में क्या निकलेगी ऊष्मा, ये भी एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए देख लेते हैं हम, तो यहाँ पर देखो कैल्शियम जो है वो एक है, यहाँ पर भी कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन हमको एक और दो, अभिकारक में दो है, उत्पाद में भी दो होना चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो दो लगा हुआ है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो दो है, हाइड्रोजन दो चाहिए, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन भी दो है, हमारी रिएक्शन बैलेंस से हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया की, अगली जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया भी होती है जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो जाती है ना, अभी क्या देखी थी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही थी, अब एक और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा जो है वो अवशोषित हो जाती है, तो इसके लिए जो है वो सिंपल सी रिएक्शन याद रखो आप, AgCl सिल्वर क्लोराइड को यदि आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म करोगे, यहाँ पर लिखोगे सनलाइट सूर्य का प्रकाश, तो ये सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेगा अवशोषित कर लेगा, कल अपन ने देखा था ना उसका कलर कैसा चेंज हो जाता है, उन्होंने एक शब्द लग दिया था लाइट मारी थी तो AgCl का कलर चेंज हो गया था, और बना क्या था, बना था Ag मतलब चांदी, साथ में बन गई थी क्लोरीन गैस Cl2, AgCl2। अब यहाँ पर बैलेंसिंग करना पड़ेगी, साथ में जाहिर सी बात है ऊष्मा अवशोषित हुई तो यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं है,
वो आपने सनलाइट लिख दिया तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो हो गया उसमें अवशोषित करते हुए दिखा रहा है वो, है ना। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर देखेंगे अपन सीएल टू दो है, ये सीएल टू है, ध्यान रखें यहाँ आप, नहीं तो इसको गलत समझ लो, सीएल टू है ये, सी लिखा है सीएल टू, क्लोरीन गैस को बोलते हैं सीएल टू, है ना। तो यहाँ पर अगर सीएल टू है तो यहाँ पर भी हमको सीएल जो है वो टू करना पड़ेगा, तो नीचे नहीं लगा सकते हम, सामने लगाएंगे, सामने हमने लगा दिया टू, तो यहाँ पर क्या होगा, क्लोरीन दो हो गया, यहाँ पर भी क्लोरीन होगा, लेकिन आपने यहाँ पर दो लगाया तो एजी के आगे भी दो लग गया, एजी के आगे दो बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस साइड भी एजी को दो करना पड़ेगा और आगे जो है वो लगा देंगे। इसी टाइप की एक और समीकरण लिख सकते हो आप इसमें ऊष्मा शोषी में, AgBr सेम रिएक्शन है दोनों, देखो आप, बस वहां पर क्लोरीन था यहाँ पर ब्रोमीन है, इसको भी हम जो है वो सनलाइट में क्रिया करवाएंगे तो ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेगा, मतलब क्या ऊष्मा को अवशोषित कर लेगा, और क्या क्या बनाएगा, बनाएगा Ag, साथ में बनाएगा Br2 ब्रोमीन गैस Br2। अब रिएक्शन बैलेंस करने के लिए फिर से वही फसला, Br को दो करना है, इधर एक ही है तो आगे दो लगा देंगे, Ag भी दो हो जाएगा तो Ag को भी दो करना पड़ेगा। ये कम से कम आपके दो दो उदाहरण है चारों रिएक्शन के जो अभी तक आपने पढ़े, पहला संयोजन रासायनिक अभिक्रिया का, फिर उसके बाद ये दोनों संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है, कौन से, ये वाले दोनों संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है, फिर उसके बाद जो है वो नीचे जो है वो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण दिख रहे हैं आपको, ये वाले दोनों कौन से, कॉपर सल्फेट और ये वाला, है ना, इसको जो है वो वियोजन रासायनिक अभिक्रिया के, ये दोनों देखो इसमें एक उत्पाद, एक अभिकारक जो है वो दो से अधिक उत्पाद बना रहा है। फिर उसके बाद तीसरी जो दिख रहा है वो आपको दिख रहा है ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, ऊष्मा क्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है। फिर उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ पर ये आखिरी में ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, ये दो दो एग्जाम्पल है, कम से कम ये दो दो तो आपको पता ही होना चाहिए, और यकीन मानो ये चारों में से कोई सी भी डेफिनेशन और उदाहरण लिखने को आ सकते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए। हो सकता है वो पूछ ले संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से समझाइए, हो सकता है वो पूछ ले वियोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से समझाइए, हो सकता है वो ऊष्मा क्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं, उदाहरण से समझाइए, और हो सकता है वो बोल दें कि ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसको समझाइए। आपने देखा होगा यहाँ पर ऊष्मा क्षेपी रिएक्शन में मैंने जो है वो श्वसन वाली रिएक्शन स्किप करी है, श्वसन वाली रिएक्शन भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, लेकिन मैंने स्किप करी है, क्यों स्किप करी है, क्योंकि वो थोड़ी सी टफ है और जो है वो कंफ्यूज करती है, जब तक हम बायो नहीं पढ़ लेते उसको जो है वो हमने एक बार पढ़ लिया काफी है, वो बायो में एक बार फिर से पढ़ेंगे तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, इसलिए उसको स्किप करा हुआ है मैंने। ये वाली रिएक्शन आप बिल्कुल लिख सकते हो, ये भी ऊष्मा क्षेपी ही रासायनिक अभिक्रिया है दोनों, तो दो दो उदाहरण दिख दिए। आज हम बात करने वाले हैं अपने पांचवें प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के, और उसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, है ना, विस्थापन अभिक्रिया आज हम पढ़ने वाले हैं, विस्थापन अभिक्रिया। मैं माउस से लिख रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो अब ये विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसके लिए आपने एक प्रैक्टिकल करा हुआ था, आपने इस प्रैक्टिकल में किया हुआ था 9th क्लास में, उस प्रैक्टिकल में आपने क्या किया था, उसमें देखा था आपने उस प्रैक्टिकल में देखा था आपने एक लोहे की कील जब आपने कॉपर सल्फेट में डाली थी, तो आपने देखा था कॉपर सल्फेट जो है वो कील पर जमा हो गया था और पानी का रंग भी चेंज हो गया था, है ना। तो वो जो है वो हम एक बार फिर से एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं ताकि आपको याद आ जाए वो रिएक्शन, और जिससे आप जो है वो इसके बारे में जान भी सको कि क्या हो रहा है रिएक्शन में। हम क्या कर रहे हैं अब इस रिएक्शन में, आपको जो परख नली में कील दिख रही है उसको धागे से बांध दिया है हमने, और जो है इसको काय में रखा हुआ है, कॉपर सल्फेट में रखा हुआ है, जिन्होंने कॉपर सल्फेट मेरे ख्याल से यहाँ पर ऊपर से सभी लोगों ने देखा है नीले कलर का विलयन होता है ना, वैसे क्रिस्टल होता है, उसको पानी में घोल देते हैं तो नीले कलर का सॉल्यूशन, आयरन नेल्स विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इसको जो है वो हम क्या करते हैं, उसको जो है परख नली में कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देते हैं, जब डुबो देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो पहले देख लेते हैं प्रैक्टिकल कैसे किया हुआ है। इसके लिए हमको काय काय की जरूरत पड़ेगी, हमें कुछ कील की आवश्यकता होगी, देखो बिल्कुल जंग नहीं लगी हुई कील पे, एक सैंड पेपर की जरूरत होगी और दो परख नली लेंगे, ए और बी नाम दे देंगे उसको, और एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की जरूरत होगी, तो आपके पास क्रिस्टल है तो उसका सॉल्यूशन आप बिल्कुल बना सकते हैं, नहीं तो सॉल्यूशन भी मार्केट में मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है वो, है ना, पानी में घोलकर ही बनाया जाता है, और एक थ्रेड की जरूरत होगी ताकि कील को मार सके, और एक क्लैंप स्टैंड चाहिए पड़ेगा, क्लैंप स्टैंड किसको बोलते हैं, जिसपे हम परख नली को फिक्स कर सके, हिले डोले ना वो।
अब हम क्या करते हैं, परख नली में जो है वो एक में जो है वो कॉपर सल्फेट डाल देते हैं। ये देखो इन्होंने कॉपर सल्फेट का लिक्विड लिया हुआ है और एक परख नली में जो है वो कॉपर सल्फेट डाल दिया, दूसरी परख नली में भी कॉपर सल्फेट डाला हुआ है। परख नली ए को जो है क्लैंप स्टैंड पे फिक्स कर लिया ताकि वो हिले ना, और परख नली बी को यही रखे रहने दिया। पता नहीं दो परख नली क्यों लिए। अब क्या करेंगे, सैंड पेपर की सहायता से कील को घिसलेंगे ताकि उसका जो ऊपर ऑक्साइड की परत जम गई है। नॉर्मली धातुएं क्या करती हैं, अपने वायुमंडल से क्रिया कर कर जो है वो ऑक्साइड की परत जमा लेती हैं। जैसे मैग्नीशियम रिबन को जलाते समय हमने बताया था कि उसको रेग माल से घिसना पड़ता है, सैंड पेपर से घिसना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस पर भूरी परत जम जाती है ऑक्साइड की, उस परत को साफ करना जरूरी होता है, नहीं तो वो जलेगा नहीं। सेम केस यहाँ पर भी, कील रिएक्ट नहीं करेगी अगर उसको हम घिसेंगे नहीं, है ना, क्योंकि उस पर ऑक्साइड की परत है, या फिर करेगी रिएक्ट तो बहुत धीमे कर रही होगी, है ना, इसलिए हम क्या करते हैं उसको घिस लेते हैं जिसके कारण से वो ज्यादा रिएक्ट कर सके कॉपर सल्फेट से। तो ये हमने कील को घिस लिया, और उस कील को घिसने के बाद क्या करते हैं, अपने कॉपर सल्फेट के विलयन में उसको धागे की सहायता से डुबो देते हैं, आधी डुबोते हैं और आधी हवा में रखते हैं ताकि हमको रिएक्शन पता चल जाए कि हो रही है कि नहीं हो रही है ना। तो ये इन्होंने जब कॉपर सल्फेट में रखा तो 20 मिनट बाद आप देखो कि ऊपर की रिएक्शन, ऊपर की कील तो वैसे की वैसी है लेकिन नीचे कुछ कुछ आपको ब्राउनिश कलर का कुछ दिख रहा है कील पे जमा हुआ, है ना। ये हमने रियल में भी करा हुआ है 9th क्लास में प्रैक्टिकल, तो आपको देखो यहाँ पर जो है वो कील दिख रही होगी, नीचे कैसी जंग जैसी जम गई है इसको। ये जंग नहीं है, ये एक्चुअली में कॉपर है ना। अरे और साथ साथ आप देखोगे जो लिक्विड रहता है, लिक्विड का कलर भी चेंज हो जाएगा। उसको देखने के लिए हम दोनों को कंपेयर करेंगे। उन्होंने बी परख नली में इसलिए लिया हुआ था कॉपर सल्फेट भी, उसमें कील नहीं डुबाई थी उन्होंने, उन्होंने कलर देखने के लिए उसमें लिया हुआ है। तो पहली बात तो आपको दिख रहा है पहले कील कैसी थी और अब कैसी हो गई, उस पर जंग लगा केवल 20 मिनट में। तो ये जो जमा हुआ है ये कौन है, ये कॉपर है, जबकि लोहा है। ये कील काय की बनी हुई थी, लोहे की बनी हुई थी, लोहे को हमने काय में डाला, कॉपर सल्फेट में डाला, तो कॉपर जो है वो अलग हो गया, कॉपर हमको दिखाई देने लगा कील पे, है ना। अच्छा लिक्विड भी चेंज होगा, लिक्विड देखें आप कलर कैसा हो गया, उसको कलर देखने के लिए हम जो है इस परख नली का कलर जो है वो आपको यहाँ पर इमेजिन करेंगे। तो आप देखो ए परख नली जिसमें कील डूबी हुई थी और बी परख नली जिसमें कॉपर सल्फेट रखा हुआ है, कलर में देखो कितना स्लाइड चेंज है, ये बिल्कुल डार्क नीला था और ये जो है वो रियलिटी में ये हल्का हरा हो जाता है ना, या फिर बोले ग्रीनिश हो जाता है, लगभग हरा हो जाता है, इस कलर का हो जाता है। मतलब कलर तो चेंज हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये पिंक, ये बिल्कुल ब्लू था, स्काई ब्लू, और यहाँ पर कलर आपको चेंज होता हुआ दिख रहा है ना। इसमें जो है वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है, तो आपको देखो यहाँ पर कलर जो है वो हल्का सा डल हो गया है, ग्रीनिश हो जाता है रियलिटी में ये, है ना। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि यहाँ पर एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं, देखो आयरन को लोहे की कील लिया हमने, उस लोहे की कील पर जो है वो हमने उसको काय में डुबोया, कॉपर सल्फेट में डुबोया। कॉपर सल्फेट में जैसे ही डुबोएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर कील पर जमा हो जाएगा और बचा क्या रहेगा, FeSO4। इस चीज को हम अपने पेंट स्क्रीन पर दोहराने की कोशिश करते हैं कि सच में वहां पर क्या हुआ। तो हमने क्या करा, विस्थापन अभिक्रिया देख रहे हैं हम, तो हमने क्या करा, हमने जो है वो एक कील ली, कील मतलब लोहा लिया, Fe लिया, है ना, लोहे को काय से दर्शाते हैं, Fe से दर्शाते हैं, और इसको हमने काय में डाला, कॉपर सल्फेट में डाला। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला 9th क्लास में सबसे पहले ही पढ़ाया था मैंने, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो हमें जो है वो कील पर कॉपर नजर आ जाता है, तो हम सबसे पहले तो कॉपर लिख लेते हैं, कॉपर अलग हो जाता है, कॉपर विस्थापित हो जाता है, तो हमने क्या करा, Cu जो है वो अलग लिख लिया। अच्छा देखना, इस रिएक्शन में से यदि आप इस रिएक्शन में से Cu हटा दोगे, इस Cu को हटा दोगे तो बचेगा क्या, बचेगा FeSO4, बचेगा कि नहीं बचेगा, FeSO4। तो ये FeSO4 इसके साथ मिलकर क्या बना लेता है, FeSO4 बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट बना लेता है, FeSO4। याद आ रहा है कुछ, फेरस सल्फेट क्या था, ये फेरस सल्फेट वही है ना जो अपन ने यहाँ पर यूज किया था, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड बनता है, साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनती है, ये वही फेरस सल्फेट यहाँ पर बन रहा होता है ना। ये फेरस सल्फेट यहाँ पर बन जाता है और रिएक्शन बैलेंस करने के लिए देखते हैं हम, सबसे ज्यादा किसके, ऑक्सीजन के चार है ना, यहाँ पर भी ऑक्सीजन चार है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, कॉपर एक है, कॉपर एक है, आयरन एक है, Fe आयरन यहाँ पर भी कितना है, एक है। तो यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस है ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखो आपने यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर जो है लोहा जो है वो ज्यादा सक्रिय था, किसकी अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा, दोनों ही मेटल है, लोहा और तांबा, ये लोहा है और ये तांबा है, दोनों ही धातुएं हैं, बिल्कुल है धातुएं। तो यहाँ पर क्या करता है, लोहा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को जो है वो लात मार देता है और अलग कर देता है। क्या करा लोहे ने,
लोहा आया और कॉपर सल्फेट में से कॉपर को लात मारी और अलग कर दिया और वो जो है वो यहाँ पर अलग हो गया। तो यहाँ पर जो है वो कॉपर सल्फेट जो है वो गुस्से की मुद्रा में होगा, बहुत ज्यादा एंग्री होगा, है ना, उदास हो जाएगा, इसको अलग कर दिया है। और इसकी जगह पर इसको लात मार के आयरन क्या होगा, आयरन कॉपर सल्फेट की जगह खुद बैठ गया। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉपर को इधर से हटा के आयरन यहाँ पर बैठ गया, है ना। तो आयरन जो है वो यहाँ पर खुश हो जाता है और कॉपर जो है वो उदास हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसने क्या करा, आयरन ने इसको लात मारकर अलग कर दिया। तो यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व को विस्थापित किया जा रहा है। एक तत्व कौन सा है, लोहा। लोहे ने किसको विस्थापित किया हुआ है, कार्बन को। लात मारना अच्छा शब्द नहीं है ना, अपन लिख नहीं सकते कॉपी में लात मारना कि आयरन ने कॉपर को लात मार दिया। तो साइंस वालों ने उसको अच्छा दिखाने के लिए एक शब्द दे दिया कि कॉपर, यहाँ पर आयरन ने क्या करा, लोहे ने क्या करा, तांबे को विस्थापित कर दिया। लात मारने को इन्होंने रिप्लेस कर, मैं मजाक कर रहा हूँ, नहीं तो सीरियस में तुम लात मारना लेके आओ कॉपी में। यहाँ पर आयरन ने क्या करा, कॉपर को विस्थापित कर दिया। और यहाँ पर ये क्या आ गया, यहाँ पर आयरन खुद सेटल हो गया और कॉपर को क्या कर दिया, यहाँ से अलग थलग कर दिया। इसीलिए एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व को विस्थापित किया जा रहा है ना, यहाँ पर एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व को विस्थापित किया जा रहा है, इसलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है। तो डेफिनेशन तो आपको सिंपल सी बनी गई, अब कुछ भी दिक्कत नहीं है। ऐसी सभी अभिक्रियाएं, ऐसी सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया इसको, तो कौन सी विस्थापित अभिक्रिया, विस्थापित कर दिया जाता है, तो ऐसी सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे हम, विस्थापन अभिक्रिया। डेफिनेशन सिंपल सी है कि नहीं, आज ही नया टॉपिक पढ़ा है आपने, सिंपल सी क्या डेफिनेशन है, आपने प्रैक्टिकल के माध्यम से देखा है इसको। आयरन ने क्या करा, आयरन ने कॉपर को जो है वो विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया, कहां से, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पर कॉपर अलग हो गया और कॉपर की जगह पे आयरन खुद आकर बैठ गया, है ना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक तत्व के द्वारा दूसरे तत्व को विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण आपको ये वाला बिल्कुल प्रैक्टिकल से याद रहेगा, Fe क्या है, कील है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, है ना। जैसे हमने इसको रिएक्ट करवाया तो आयरन ने जो है वो कॉपर को अलग कर दिया, जो कि Cu अलग रूप से बैठ गया और कॉपर को हटाकर आयरन उसकी जगह खुद आ गया, मतलब क्या बना लिया, फेरिक सल्फेट बना लिया, है ना, फेरिक सल्फेट बना लिया, यहाँ पर FeSO4 बना लिया, साथ ही क्या बन गया, कॉपर अलग निकल गया। तो सेम केस जो है वो दूसरे तत्वों के साथ भी हो सकता है। इसी तरह के हम दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं, यदि हम आयरन की जगह जिंक लें, अगर हम जिंक लेते हैं और जिंक की क्रिया किसे करवाते हैं, CuSO4 से करवाते हैं, तो आप मुझे क्या बता सकते हो, यहाँ पर कौन किसको रिप्लेस करेगा, मुझे आंसर देंगी, 2 मिनट में नाम देख लूं, रुचि आंसर दीजिए, यहाँ पर आपका माइक म्यूट करने का ऑप्शन आ रहा होगा, अनम्यूट करिए अपने आप को और यहाँ पर मुझे आंसर दीजिए कि जिंक से साथ हम क्रिया करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट की, तो मुझे बताओ यहाँ पर आपको यहाँ पर कौन सा सबसे मिलेगा, लॉजिक लगाओ। यहाँ ऊपर वाले में क्या किया था, आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग किया था और खुद बैठ गया था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पर आयरन की जगह मैंने जिंक ले लिया, तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा, या फिर पूरा ही बता दो यहाँ पर क्या आएगा। नहीं बन रहा रुचि से, चलो इसे खोलते, नहीं बन रहा। कनक आप बता सकती हो बेटा, यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा बता सकती हो, कि माइक खोलो अपना, कोई और बता सकता है, आपके माइक खोले हुए हैं, आप बताइए यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा। हाँ लक्ष्मी बताइए भैया, इधर पे बनेगा जिंक, मैं बोल दूं। हाँ जिंक, हाँ लक्ष्मी बोलो, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं बोल रहा हूँ, सेम टू सेम वही केस आएगा, वहां पर आयरन ने कॉपर को लात मार के अलग किया था, यहाँ पर जिंक ने कॉपर को अलग कर दिया, यहाँ पर भी कॉपर ही बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। ये दोनों रिएक्शन आपस में मिलती जुलती नहीं दिख रही है, बहुत हद तक ये दोनों ही एग्जांपल है काय के, विस्थापन अभिक्रिया के, और आसान भी है, आपको बनना चाहिए, बिल्कुल इजीली बन जाएंगे, कुछ भी नहीं है। पहले अपन ने लोहे की कील का करवाई इसका कॉपर सल्फेट के साथ, फिर उसके बाद जिंक की करवा दी। जिंक को हिंदी में बोलते हैं जस्ता, है ना, आयरन को बोलते हैं लोहा,
तो लोहे की क्रिया हमने कैसे करवाई, कॉपर सल्फेट से करवाई, तो लोहा का लोहे का सल्फेट मिल गया, साथ में कॉपर अलग हो गया। फिर जिंक की क्रिया कॉपर सल्फेट से करवाई तो जिंक सल्फेट मिला, साथ में कॉपर अलग हो गया। ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। जिंक वाली रिएक्शन जो है वो ऑनलाइन देखने से कोई मतलब नहीं आता, सेम रिएक्शन होगी, कॉपर जो है वो ऐसे जमा हो जाएगा जैसे कील पर जमा हुआ था, जिंक भी कील जैसा कील का कलर दिख रहा था वैसे के वैसे ही जिंक का कलर भी वैसे ही होता है सेम टू सेम, कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। अब एक और रिएक्शन देख रहे हैं हम, अभी हमने देखी विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी आज की दूसरी अभिक्रिया हम देख रहे हैं उसको बोलते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी विस्थापन? द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा यहाँ पर, अभी जैसे अगली रिएक्शन जो है वो है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो इस आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है, विस्थापन तो यहाँ पर भी है लेकिन आगे पास जो है वो द्वि लग गया है। तो इसमें इन ये अभिक्रिया में जो है वो विस्थापन तो हो रहा होता है लेकिन आयनों का विस्थापन हो रहा होता है। आयन्स क्या होते हैं? आयन्स जो होते हैं आपको शायद याद होगा मैंने आपको बताया था, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 17 होता है। मैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया आज खत्म नहीं कर पाऊंगा, 5 मिनट बचे हुए, मैं केवल आयन समझा के आपको खत्म कर दूंगा ताकि अगले चैप्टर में मुझे आयन्स ना समझाना पड़े, है ना, क्योंकि 9th क्लास में पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्लोरीन की परमाणु संख्या होती है 17, इसका मतलब ये होता है कि क्लोरीन में प्रोटॉन कितने हैं, 17 है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 17 है। तो यदि इसके नाभिक में प्रोटॉन होंगे वो भी 17 होंगे और इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 17 होंगे। पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले कोश में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया हमने, 2n² का फॉर्मूला पढ़ते हैं। फिर उसके बाद दूसरे में कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, वो दूसरे के लिए n की वैल्यू 2 रख देते हैं तो कितने हो जाते हैं, 4 × 2 = 8 हो जाते हैं। तो ये अपन ने क्या कर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में भर दिए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 × 2 = 10। इसकी अंतिम कक्षा में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक पूरा करने के लिए। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए संयोजकता को पूरा इसकी अष्टक पूरा करने के लिए, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो इस पर क्या कर, ये क्लोरीन क्या कर सकता है, ये क्लोरीन जो है अभी स्टार्टिंग में तो इस पे जितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या रहती है, बराबर रहती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। यदि किसी कारणवश ये किसी दूसरे तत्व के साथ, जैसे कि Na के साथ क्रिया करके 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और जुड़ जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन और जाता है, तो प्रोटॉन तो 17 ही है, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन साथ आएगा तो अपने साथ क्या लेके आएगा, ऋणावेश लेकर आएगा, जिसका ऋणावेश मतलब कि नेगेटिव आयन लेकर आएगा, जिसके कारण से क्लोरीन पर क्या हो जाएगा, क्लोरीन पर जो है वो ऋणावेश ज्यादा हो जाएगा और हम बोल देंगे क्लोरीन क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन पर आ जाता है तो क्लोरीन कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरीन का फॉर्मूला क्या, क्लोरीन का तत्व क्या होता है, क्लोरीन Cl होता है, और यदि हम इसके ऊपर माइनस लगा देते हैं जो कि 1 इलेक्ट्रॉन के आने के कारण से माइनस हुआ है, इसको हम बोल देते हैं क्लोरीन आयन, इसको बोल देते हैं क्लोरीन आयन। ऐसे ही बहुत प्रकार के आयन होते हैं, जैसे कि हम अगर सोडियम लिखेंगे तो सोडियम के ऊपर जो है वो धनावेश होता है ना, तो ये धनावेश अभी क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, सोडियम तत्व का नाम लिखा हुआ है। यदि इसके ऊपर मैंने प्लस लगा दिया तो ये बन जाएगा सोडियम आयन, है ना, ये क्या हो जाएगा, क्लोरीन आयन। तो इस प्रकार से आयन्स बनते हैं, कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन का आना और निकलना, इलेक्ट्रॉन ही निकल पाते हैं क्योंकि प्रोटॉन जो है वो नाभिक में होते हैं, बहुत स्ट्रांगली टच रहते हैं, इनको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, केवल इलेक्ट्रॉन ही आ भी सकता है और इस कक्ष से जा भी सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। अगर आ जाता है तो तत्व पर ऋणावेश आ जाता है जिसको हम नेगेटिव आयन बनने का बोलते हैं, और यदि ये आने के बाद अगर निकल जाता है यहाँ से, अगर जाएगा इस कक्ष से, अगर निकलता है बाहर तो अपने साथ साथ एक ऋणावेश भी लेके जाएगा, और ऋणावेश लेके जाएगा तो इस पर जो है वो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगी और ये जो है वो धनावेश बनाएगा जिसको हम बोलते हैं धनावेशित आयन, धनायन बोल सकते हैं, है ना। इंग्लिश में अगर बात करें तो जो नेगेटिव आयन होते हैं उनको बोला जाता है एनायन, एनायन, और जो पॉजिटिव आयन होते हैं इनको बोला जाता है कैटायन, कैटायन, है ना। पॉजिटिव आयन को एनायन और नेगेटिव आयन को कैटायन बोला जाता है, है ना। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ क्योंकि इंग्लिश में जो है वो कंफ्यूजन होती है एनायन और कैटायन में।
एनायन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. मैंने क्या लिखा है, एनायन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना. जो नेगेटिव आयन होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एनायन. इंग्लिश में आपको कंफ्यूजन होगा 11th 12th में अगर आप केमिस्ट्री लेने वाले हो, इसलिए मैंने यहाँ पर एनायन कैटायन पहले ही बता दिया. जो नेगेटिव आयन होते हैं, आयन क्या होते हैं, तत्वी होते हैं, बस उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, उस पर ऋणावेश ज्यादा हो गया, इसको हम बोलने लगते हैं, इसी क्लोरीन को फिर बोलने लगे हम क्लोरीन आयन, है ना. और आयन, इन आयन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एनायन. जिस पर ऋणावेश होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जिस पर ऋणावेश दिखाई देता है आपको, ऋणावेश होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं. और जिस पर धनावेश होता है उन आयन को क्या बोलते हैं, हम कैटायन बोलते हैं, है ना. तो ये आयन कैसे बनते हैं, आपको 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आई होप समझ में आ गया होगा, याद आ गई होगी. इन्हीं आयन के बेस पर, इन्हीं आयन के बेस पर हमारी अगली रिएक्शन बनती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम आज तो नहीं देख पाएंगे, कल देखेंगे क्या होती है और इसके उदाहरण भी देखेंगे. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है.